रंजन चल जल्दी चल, लेट हो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी में, कि कैसे बीतता है मेरा दिन। तो गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं और रंजन जा रहे हैं जिम। अभी हमें एक वीक हुआ है जिम जाते हुए। तो जिम में हम 1 घंटे का वर्कआउट करेंगे, उसके बाद वापस आकर ब्रेकफास्ट करेंगे और बाकी देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। तो चलिए। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में और ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कैंटीन। और अभी हम आए हैं बॉयज़ हॉस्टल से, वो वहाँ पर है, जो कि कोहरे की वजह से अच्छे से विजिबल नहीं है इस टाइम। और वो सामने है हमारी लाइब्रेरी और ये है बहुत ही प्यारा सा लॉन यहाँ पर। और ये है एग्रीकल्चर कॉलेज, ये है लेक्चर हॉल और बीच में गॉडेस सरस्वती जी की मूर्ति है। और उसके पीछे वो वाली बिल्डिंग, वो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। हमारा जिम बस यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसके बाहर ही है। रंजन जी, कितना एक्साइटेड हो आप जिम जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। बॉडी बनानी है इस सेमेस्टर? क्यों या भाई, फॉग कितना ज़्यादा है देख, है ना। गाइस, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है यूनिवर्सिटी का मेन गेट। और यहाँ पीछे देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लगी हुई है। और इसके जस्ट सामने वो है हमारा जिम। तो गाइस, ये है यूनिवर्सिटी जिम और ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो मशीन्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर। सब करते हैं अपना वर्कआउट शुरू। योगा गुरु आनंद शिंदे। ओ भाई साहब, ये संगीत। डू समथिंग मैन, आई विल मेक योर वीडियो। गाइस, हमारा वर्कआउट हो गया ख़त्म और आज हम थोड़ा लेट हो गए थे जिस वजह से सिर्फ 40 मिनट का ही सेशन हो पाया। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग आ गया यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल जाना है ना या फील्ड? फील्ड जाएंगे। तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं रंजन जी की फील्ड में और वहाँ पर इनके सनफ्लावर्स लगे हैं, इनकी रिसर्च वर्क है उस पर। तो चलो देखते हैं। तो गाइस, कितना ज़्यादा फॉग आ गया है देख लीजिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं बैंक चौक। चौक का तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है हमारे बॉयज़ हॉस्टल की तरफ और इसी रास्ते में पड़ता है हाईटेक हॉर्टिकल्चर ग्रीन हाउस। भाई बड़ा डरावना लग रहा है, क्यों? ये देख,
रास्ता, रात के टाइम तो कोई भी नहीं चल पाएगा ऐसे रास्ते में। अभी हम पहुंच चुके हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर में, और ये आप देख सकते हो कितने सारे पॉली हाउस हैं यहाँ पर, और रंजन जी का पॉली हाउस सबसे एंड में। सो गाइस, ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं रंजन जी की फील्ड में। कोई नहीं, अरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए यार। तो ये देखिए, अब बस फ्लावरिंग होने वाली है इन पे, और यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डिग्री ख़त्म होने वाली है। इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस है, और अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगी हुई है। रिसर्च वर्क चल रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स है हमारे प्रोफेसर्स के, तो सब कुछ यहीं पर लगा हुआ है। और ये अशोका ट्री है ना, देखो कैसी शेप में काटा हुआ है, देख छतरी सी लग रही है नीचे, देख छाते। तो गाइस, ये अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल, और ये आप देख सकते हो हॉस्टल भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आज। और ये है यहाँ का रिसेप्शन। क्या बोलना है, ठीक है, मिलते हैं बाद में। नहीं 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 ब्रो, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है गाइस, ये सेकंड ब्लॉक जिसमें कि रंजन रहता है, और मेरा ब्लॉक तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरा ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक, ये है मेरा ब्लॉक जिसमें कि मेरा रूम है टॉप फ्लोर में सबसे लास्ट वाला, और वो है हमारा मेस। दादा जागा नहीं आज, क्या बात है, रात को लेट सोए थे ना। तो गाइज, अभी मैं और मेरा रूममेट, इसका नाम है जितेंद्र, इसको प्यार से हम जीतू दादा कहते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और हमारा मेस जो है ग्राउंड फ्लोर पे है, मैंने जैसे आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो चलिए आपको मेस भी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ कुंडू, क्या बोल रहे, पहले तो फोन किया, सो रहा है उसके बाद। तो लिस्ट कब निकल रही है? आज ही देने से। ठीक है, चड्डी वड्डी आ जा खाने, अमृतो सरकार। ब्लॉग हो रहा है क्या? हाँ काइंड ऑफ, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। गाइस ये हमारा मेस, गुड्डू भैया। ठीक है, हाईटेक भाई। ये है आज का ब्रेकफास्ट, और आज मंडे है, तो मंडे को हमको मिलते हैं आलू के पराठे, और साथ में इमली की चटनी, और ये मूंगफली की चटनी ना। ये है मिस्टर साइकत, और वो है हमारे कुंडू जी, जो पिछला व्लॉग चैनल देखते होंगे वो जानते होंगे इनको। क्यों कुंडू जी, हाय तो बोलो। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 1:30, और मैं अभी नहाकर थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, और इसके बाद हम जाएंगे लंच करने। मेरा लंच हो चुका है, और अभी मुझे जाना है रंजन के रूम, और आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊँगा अपने कॉलेज। तो आज शाम को हम जाएंगे हॉस्पिटल चौक तक, आज शाम को ही आपको थोड़ा नज़ारा दिखा दूंगा अपनी यूनिवर्सिटी का। रंजन जी, ये देख पड़ा हुआ है कल से। हाँ ये है कौशल, ये भी मेरा क्लासमेट है। नो नो, तो ये झूठ बोल रहे हैं।
तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी टाइम हुआ है 5:30। तो अभी हम टहलने निकले हैं बाहर और अभी जाएंगे हॉस्पिटल चौक। यहाँ पर हॉस्पिटल चौक है जहाँ पर हर तरह की शॉप्स हैं। हम वहाँ चाय पीने जाएंगे अभी और साथ में आपको थोड़ा कैंपस का टूर भी करवा देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा फॉग कम है यहाँ पर, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा अच्छे से। गाइस ये है यहाँ पर 2 पार्किंग एरिया, तो वो है मोटरसाइकिल्स और स्कूटर के लिए और ये है 4 व्हीलर्स के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है लाइब्रेरी और ये है कैंटीन, और बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। अभी कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, पर यहाँ पर जो लॉन जो मैंने आपको दिखाया था उसमें काफ़ी सारे लैंप्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। कैमरे में आपको उतना अच्छा दिखाई नहीं दे पाएगा। ये है सरस्वती माता की मूर्ति जो कि कैंपस के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। बाकी चीज़ें मैंने आपको सुबह दिखा दी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो सामने मेरे साथ चले हैं मेरे 2 अजीज़ मित्र जो कि है ये कौशल जी और वो रंजन जी, और ये दोनों बिहार से ही हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है पूरा कैंपस। रात में इनको बोल रहे हैं डर है कुछ देख लेगा तो कुछ हो जाएगा, दिन में क्या होगा? दिन में तो सब कुछ बदल जाएगा ना। नहीं रात में दिन में भी बदल सकते हैं, सब कुछ नहीं है। हाँ वही ना। रात जी अभी हम पहुँचे हैं बैंक चौक जो कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, पर कोहरे की वजह से आप अच्छे से देख नहीं पाए थे उसे। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है बैंक चौक और वहाँ पीछे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से कि हम ग्रोसरी वगैरह यहाँ से लेते हैं। और अभी जो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं ये सामने जाता है हॉस्पिटल चौक की तरफ। हर रोज़ हम लगभग शाम के टाइम जाते हैं वहाँ पर चाय पीने। कैसी चाय? बहुत अच्छी बनाते हैं ना वो, बहुत क्वालिटी टेस्ट। सिर्फ 6 रुपये में। यहाँ पर अभी हमारा नया हॉस्पिटल बना है, पर यहाँ पर लाइट अभी ज़्यादा कुछ नहीं है तो दिखाई नहीं देगा, पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है गाइस और काफ़ी फैसिलिटीज़ है, एडवांस्ड फैसिलिटीज़। और यहाँ पर सामने है 2 मंदिर जिसमें से कि एक है सरस्वती माता का और दूसरा मंदिर किसका है? हनुमान जी का है ना, और दूसरा मंदिर है हनुमान जी का। और ये आप सामने देख सकते हो ये हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो गाइस अब आपसे मिलते हैं हॉस्पिटल चौक पर ही। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल चौक और यहाँ बैठेंगे अभी, चाय ऑर्डर करेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। क्या हुआ? फन फन फनी। सुनिए एक समोसा लाइएगा और चाय लाइएगा, 3 कप। पेट भर जाता है, डिनर नहीं हो पाएगा। नहीं बहुत दिन हम खाए नहीं थे समोसा। मजा आया। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।